الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی کیلنڈر کا ایک اور نیا سال جس کی آج ہمارے ہاں دو تاریخ اور پاکستان میں ایک تاریخ جس طرح 12 مہینوں میں 3 مہینے حرمت والے احترام والے عظمت والے شان والے ہیں اسی طرح یہ محرم کا مہینہ بھی اسلامی کیلنڈر میں عزت عظمت اور حرمت والا مہینہ شمار ہوتا اللہ اس مہینے کی عزت عظمت حرمت سمجھنے کی ہمیں توفیق دے دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ جیسے ہی یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے حکومتیں پولیس فوج ذمہ دار حتیٰ کہ دکانوں والے مارکیٹوں والے بازار والے علماء کرام پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ جیسا چھوٹے سے دل رکھنے والا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ جانے اس مہینے میں کیا ہوگا دعا کریں جی اللہ تعالیٰ اس مہینے کو امن اور سکون سے گزارتے ہیں یعنی ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمیشہ ایک بات ذہن میں شروع میں آپ رکھ لیں کہ سچ کو آنچ نہیں ہوتی اور سچ پہ کبھی جھگڑا لڑائی نہیں ہوتا لڑائی جھگڑا ہمیشہ جھوٹ پہ ہوتا ہے کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ سنت پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے
वो आप अमेरिका में चले जाएं या आप एशिया में चले जाएं, सुन्नत एक ही होती है, उसका रंग और नूर एक ही होता है, और सुन्नत पे कभी कोई झगड़ा भी नहीं होता। बिदात हर मुल्क में अलग होती है, हर कौम में अलग अलग, इसलिए कि वो एक नई चीज़ होती है, हर बंदा अपनी मर्जी से ईजाद करता है। और जब भी दुनिया में झगड़ा होता है वो बिदात पे होता है, सुन्नत पे नहीं होता। जिन चीज़ों को इंसान खुद घड़ता है उस पे लड़ाई होती है, जो चीज़ अल्लाह बना के भेजता है उस पे लड़ाई नहीं होती। और दीन वही है जिसको अल्लाह ने बना के भेजा। दुआ करें कि अल्लाह खसूसन हमारे मुल्क में, चूंकि ये फितना सबसे ज्यादा वहां होता है, ये महीना अमन और सुकून से अल्लाह गुजारते हैं। कितने उलमा की इस महीने में जुबान बंदी के आर्डर आ जाते हैं, कितने उलमा के कितने ज़िलों में इस महीने में दाखिले बंद हो जाते, कितने उलमा को इस महीने में नज़रबंद कर दिया जाता कि कहीं फितना फसाद ना फैले। हमारी भी दुआ है अल्लाह इस उम्मत को फितनों से बचाए। सिर्फ ये एक महीना नहीं, अल्लाह पाक साल के 12 महीने उम्मत को हर फितने से बचा के रखे, और अल्लाह ताला इस उम्मत को अमन, सुकून, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, चूंकि अल्लाह ने हमसे पूछना नहीं कयामत के दिन, करबला में क्या हुआ था, अल्लाह ने ये चीज़ हमसे पूछनी ही नहीं, इसलिए मैं ऐसे मसाइल को बयान ही नहीं करता कि जिन मसाइल के साथ ना हमारा रह पढ़ना है ना हमारा वह पढ़ना। मेरी जिंदगी का उसूल रहा है कि मैं उन्हीं बातों को छेड़ता हूं जिन बातों ने हमें कब्र में, आखरत में अल्लाह के यहाँ काम आना। आप और मैं, एक मेरी बात याद रखना, पहली जमात के बच्चे हैं, पहली जमात के स्टूडेंट हैं, पहली जमात के तालिब इल्म हैं। हमें चाहिए कि हम सबक भी वही याद करें जो पहली जमात का। आप और मैं न बीए के तालिब इल्म हैं, न एमए के हैं, न यूनिवर्सिटी के हैं, उनका हमसे इम्तिहान ही नहीं होना। हमसे इम्तिहान होना है हलाल खाया था, अल्लाह खाया था, मुझे याद किया था, किया था, नमाज पढ़ी थी, अल्लाह पढ़ी थी, माँ बाप का अदब किया था, किया था। जाओ पास हो, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। हमसे अल्लाह पाक ने ना तो सवाल एमए के करने हैं, ना बीए के करने हैं। ये एमए वाले जाने, बीए वाले जाने, वो लड़ते रहें, मरते रहें, झगड़ते रहें। हम पहली जमात के बच्चे हैं, हमें सबक वही याद करना चाहिए जो पहली जमात के बच्चों का होता है। पहली जमात के बच्चे से कभी किसी ने एमए के सवाल नहीं किए, अल्लाह हमसे भी नहीं करेगा। अल्लाह हमसे भी पहली जमात के सवाल का पेपर पूछेगा। दुआ करो कि अल्लाह हम उसमें पास हो जाए। कहते हैं कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब कब्र को देखते तो इतना रोते, इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। कहने वाले कहते कि आप मौत को याद करके किसी के जनाजे में जाकर इतना नहीं रोते, कब्र को देखकर क्यों रोते हैं? तो फरमाया करते थे कि आखरत की सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी कब्र है। अगर उस्मान इसमें कामयाब हो गया तो आगे कामयाबी मिल जाएगी, अगर इसमें ही पकड़ा गया जिसमें पर्चा होना है, मर रबों का तेरा रब कौन, मन नबियों का तेरा नबी कौन, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, ये तीन सवाल अल्लाह ने पूछने हैं। अगर मैं इन्हें याद कर लूँ
तो इंशाल्लाह अगला जहान मेरा पास और कामयाबी का है, और अगर मैं इसी में ही पकड़ा गया तो अगले जहान मेरी नाकामी ही नाकामी है, कामयाबी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आप भी बड़े मसलों में नहीं पड़ा करो, और कभी ऐसी मजलिस महफिल में बैठना भी पड़ जाए तो हाथ जोड़ के, भाई अल्लाह ने हमसे ये पूछने नहीं, हम इनमें क्यों पड़े। जो बातें अल्लाह ने पूछनी है, अभी एक दोस्त नमाज से पहले भी बात कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप मुसलमान थे काफिर थे क्या थे, अल्लाह ने हमसे नहीं पूछा। अल्लाह ने ये हमसे पूछने ही नहीं, इसलिए खामोशी इख्तियार करो। अल्लाह जाने अल्लाह का महबूब जाने, और अल्लाह जाने अल्लाह के महबूब के माँ बाप जाने। अगर मैं अपने माँ बाप की फ़िक्र करता हूँ, दूसरों के माँ बाप की फ़िक्र करता हूँ, तो वो माँ बाप मेरे अल्लाह के महबूब के माँ बाप हैं। अल्लाह उनके साथ क्या करेगा वो अल्लाह का मामला है। लोग कहते हैं कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, तो अल्लाह के महबूब के माँ बाप थे, अब अल्लाह उनके साथ क्या पता दोस्ती का मामला कर दे, तो ये अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ने हमसे नहीं पूछना, अल्लाह ने जो बातें हमसे पूछनी है आप उनकी तैयारी किया करो। और वो बात, वो सबक आपको याद होगा, मैं काफी जुमों से आप हजरात से बात कर रहा हूं कि दुआ करो कि अल्लाह हमारी मौत अच्छी कर दे। अल्लाह हमारी, जोर से कहो, अल्लाह हमारी मौत खात्मा ईमान पे हो। सियाणे कहते हैं कि आज किसी भी मुल्क का वीजा आसान नहीं जितना आसान मौत का वीजा है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तो दुनिया के किसी मुल्क का वीजा लेना दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि आज जितनी मौत का वीज़ा पाकिस्तानी के लिए आसान है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाला जाए तो मालूम होता है नमाज के बाद बम फटा मस्जिद में, लोग मर गए, कोई आया बंदूक लेके खड़ा हो गया मार के चला गया। सुबह पाकिस्तानी आदमी पाकिस्तान में घर से निकलता है तो कह के निकलता है ज़िंदगी हुई तो शाम को वापस आ जाऊँगा, कोई पता नहीं कि मैं वापस भी आता हूँ कि नहीं आता। हमारे लिए मौत का वीज़ा इतना आसान हो गया है, इतना सस्ता हो गया है, इतना मुफ्त हो गया है, दुनिया में इतनी कोई चीज़ हमें आसानी से नहीं मिल सकती जितनी हमें मौत आसानी से मिल जाती। इसलिए मौत का पता नहीं, आनी सबको है, कब आनी है, कैसे आनी है, कहाँ आनी है, ये अल्लाह जानता। इसलिए अक्लमंद आदमी हमेशा मौत की तैयारी करके रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में मुसाफिर की तरह जियो कि कोई पता नहीं कब मैंने सफ़र पे निकलना है। वो हर वक्त अपने बैग को और अपने दो जोड़े कपड़ों को तैयार रखता है, न जाने मैंने कब निकलना है। इस दुनिया में हम सारे मुसाफिर हैं, और अक्लमंद बंदा वो होता है जो मुसाफिर की तरह हमेशा सफ़र की तैयारी में रहता है, न जाने किस वक़्त अल्लाह की तरफ से हमें बुलावा आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मांगा करो अल्लाह अचानक की मौत न दे, आमीन कहते के बंदे को संभलने का मौका भी ना मिल सके, तौबा का मौका भी ना मिल सके, अल्लाह हादसाती मौत से बचा ले, आमीन कह। कि हम एक्सीडेंट में ही चले जाएं, संभलने का मौका भी ना मिल सके, अल्लाह परदेश की मौत ना दे, आमीन कह। कि अपने जनाजे से भी रह जाएं, अपने आखिरी दीदार से भी रह जाएं, और अपने कब्र पे मिट्टी डालने से भी रह जाएं। और परदेश की मौत का कोई पता नहीं होता कि परदेश वाले
मुसलमान समझ के जनाजा भी करेंगे या काफिर समझ के जला देंगे। अल्लाह परदेश की मौत न दे, अल्लाह अचानक की मौत न दे, अल्लाह हादसाती मौत न दे, अल्लाह अपने घर की मौत दे, अल्लाह चलते फिरते ले ले मौत के वक़्त भी, अल्लाह किसी का हमें मोहताज न करे, और अल्लाह खात्मा ईमान पे कर। मेरे दोस्तों यही बात है याद रखने वाली। कहते हैं कि जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जिंदगी से पहले मौत है, ये याद रखना। ये जो जिंदगी है हमारी जिसमें हम जी रहे हैं या जिसको हम जिंदगी समझते हैं, ये चल चलाओ का नाम है। ये एक मिनट डेढ़ मिनट या दो मिनट की जिंदगी है, ये उधार जिंदगी है, मांगी हुई जिंदगी है। कितना बेवकूफ बंदा वो होता है जो उधार पे ऐश करता हुआ नजर आए, कितना बेवकूफ वो बंदा होता है जो मांगी हुई चीज पे ऐश करता हुआ नजर आए। ऐश उस चीज पे करो जो तुम्हारी अपनी हो, ऐश उस चीज पे करते हुए नजर आओ जिसको तुमने अपने हाथों से मेहनत से कमाया। ये जिंदगी मांगी हुई जिंदगी है, उधार जिंदगी है। अगर आखिरत से इसको जर्ब दे दें तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है ये डेढ़ मिनट की जिंदगी है, और कुछ लोग तो कहते हैं ये दो दिन की जिंदगी है, और कुछ लोग कहते हैं ये चार दिन की जिंदगी है, जो हमारी जुबान में अल्फाज कहे जाते हैं। मौत ये यकीनी चीज है, जिंदगी पे इतना यकीन नहीं जितना मौत पे यकीन है। कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहि सलातु वसलाम की पुश्त पे हाथ मारकर कयामत तक आने वाली आदम अलैहि सलाम की जुर्रियत और औलाद को कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा किया। जमीन पे ऐसे रूहें रेंग रही थी जैसे कीड़े होते। आदम अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह ये क्या है? कहा ये सारी तेरी औलाद। जब फरिश्तों ने रूहों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखा तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये कहां रहेंगे इतने, काम इनको दुनिया में बसाएंगे। अर्ज किया अल्लाह दुनिया में जगह कहां होगी, ये कहां रहेंगे? खेत खलियान भी दुनिया में होने हैं, पहाड़ नदी नाले भी होने हैं, रास्ते भी बनेंगे, शहर भी बनेंगे, बाजार भी, ये कहां रहेंगे सारे? तो कहा हम इनको जमीन में आबाद करेंगे। फिर फरिश्तों ने कहा ये जमीन पे इतने कहां रहेंगे? तो अल्लाह ने फरमाया हम इन पर मौत को मुसल्लत कर देंगे, ये मरते रहेंगे, आने वाले के लिए जगह छोड़ के जाते रहेंगे। घर में पांच जाएंगे दो आएंगे। तो फरिश्तों ने अर्ज किया अल्लाह अगर इन पर मौत को मुसल्लत कर दोगे तो ये तो बेचारे मरने से पहले ही मर जाएंगे कि जब इनको पता होगा हमने मरना है। मौत और फांसी की सजा पाने वाले कैदी को जब पता हो जेल में पड़वे के फला तारीख को मैंने मरना है, आधे तो बेचारे पहले ही मर जाते। वो नीम मुर्दा होता है जब उसको फांसी पे चढ़ाया जाता। ये आप और मैं जो बाजारी मुर्गियां खाते हैं, जब इनके गले पे छुरी चलती है ये नीम मुर्दा आधी मुर्दा होती है। कुर्बानी के बकरे को अगर कभी घर में पाल कर देखो, को अल्लाह की शान है कुर्बानी का दिन आता है तो वो बकरा सर ऐसे नीचे गिरा के खड़ा होता है, उसे गोया के पता होता है मैंने आज मरना है। कुदरती तौर पर अगर बंदे को पता चल जाए मैंने मरना है तो ये क्या करेगा?
तो अल्लाह ने फरमाया हम इस पर आस और उम्मीदें इतनी मुसल्लत कर देंगे कि ये मौत को ही भूल जाएगा, फिक्र लगी रहेगी मैंने कोठी बनानी है तो 10 साल उसी में गुजर जाएंगे, फिर फिक्र लगी रहेगी मैंने बेटों की शादी करनी है तो 20 साल उसमें गुजर जाएंगे, फिर फिक्र लगी रहेगी बेटियों की शादी करनी है जैसे आप और मैं हैं, 2 साल के बाद छुट्टी जाते हैं तो 6 महीने तो मकान बनाने पे लग जाते हैं, जब खाली हो जाते हैं तो टिकट के पैसे भी उधार लेके यहाँ आते हैं, अपने पैसे भी जेब में नहीं होते कि टिकट खरीदने, वो भी उधार ही ली जाती है इसी आस उम्मीद में कि 20 साल में ये कर लूंगा, 30 साल में ये कर लूंगा, 40 साल में ये कर लूंगा। आप में से कितने बैठे होंगे जिनको 40-40 साल यहां हो गए लेकिन आज भी वो आधे के आधे हैं, अधूरे के अधूरे हैं और उसी आस उम्मीद पे जी रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में इतनी वेलफेयर मिल जाएगी, मैं इतना कुछ बना लूं, इसी पे जी। कुछ हमारे भाई इसी पे जी रहे हैं कि चलो कोई नहीं, पेपर में अपने आप को मिर्जाई बना लूंगा, ईसाई बना लूंगा, कनेडे का वीजा मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाएगा, अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, चलो वहां चला जाऊं। तो फरमाया कि मैं इन पर आस और उम्मीदें मुसल्लत कर दूंगा कि उन आस और उम्मीदों के नीचे मौत छुप जाएगी और मौत गुम हो जाएगी, लेकिन अकलमंद आदमी उन अंधेरों से भी मौत को तलाश करेगा कि मैंने मरना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकलमंद बंदा वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करके रहता है। और उसी की तैयारी की मैं बातें कर रहा हूं आप हजरात के सामने कितने जुमों से कि हमारी मौत अच्छी हो जाए, आमीन कहते हैं। चूंकि दारो मदार अगले जहान का, कामयाबी का, बख्शिश का, जन्नत का, जहन्नम का, अल्लाह के दीदार का, अल्लाह की रजा का, वो मौत। सियाणे कहते हैं कि अगर जिंदगी अच्छी तो मौत अच्छी, जिंदगी बेकार तो मौत बेकार। जिंदगी अच्छी अय्याशी का नाम नहीं होता, जिंदगी अगर तो मौत के वक्त भी अल्लाह अपनी याद की तौफीक देता है, और अगर जिंदगी अल्लाह की याद से गाफिल गुजर गई तो मौत का वक्त भी अल्लाह की याद से गफलत में गुजर जाता है और वो गफलत की मौत होती है। दुआ किया कर कि मौत अल्लाह ऐसी दे दे कि मरने के बाद तेरी मौत को याद करके लोग कहा करें कि अल्लाह हम सबको ऐसी मौत दे दे, आमीन, जोर से कह दो। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान में कर, अल्लाह हमें मरते वक्त कलमा नसीब कर, इसलिए कि दारो मदार अगले जहान की कामयाबी का मौत पर। बुजुर्गान दीन के अकवाल में पेश कर रहा था कि मौत अच्छी कब होती है, आपको याद होगा कितनी निशानियां मैं बयान कर चुका, कुछ रहती हैं। अपनी पहली निशानी बुजुर्गान दीन ने लिखी कि अपनी जुबान को अच्छा इस्तेमाल करो, मरते वक्त जुबान अच्छी इस्तेमाल हो। नंबर 2, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार किया करो, बुजुर्गान दीन की सोहबत मौत को अच्छा बनाती। 4, चलते फिरते उठते बैठते रोजाना जितनी तौफीक हो सके सदका दिया करो, सदका मौत को अच्छा करता है। ये बातें मैं बयान कर चुका हूं। मिसवाक की आदत डालो, मिसवाक मरते वक्त इंसान को कलमा नसीब कराती है। गुज़श्ता जुमा बात बयान की थी कि बुजुर्गान दीन ने लिखा है जिस बंदे को गुनाह पर कुदरत हो और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ से,
अल्लाह उस बंदे को मरते वक्त कलमा जरूर नसीब करता। आगे चलते हैं। बुजुर्गाने दीन ने लिखा है शाएरुल्लाह, अल्लाह की निशानियों का तुम अदब करो। अल्लाह की निशानियों का तुम हया करो। अल्लाह की निशानियों का एहतराम करो। अल्लाह की निशानियों की अजमतों को अपने दिल में जगह दो। कहते हैं ना कि बड़ों को बड़ा जानो, बड़ी चीज को बड़ा समझो, और खास तौर पर जो अल्लाह ने बड़ी चीजें कही। तो उन चीजों की बढ़ाई की इज्जत और अजमत, उसकी बरकत और उसके सदके में अल्लाह पाक मरते वक्त तुम्हें बड़ी चीज नसीब कर देगा, जिसको कलमा कहा जाता है, जिसे बड़ी चीज कोई नहीं। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहूं, मस्जिद में आ रहे हो, ये मस्जिद कहते हैं अल्लाह का घर होता, ये शाएरुल्लाह हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। दुनिया में कहीं भी मस्जिद हो, छोटी हो बड़ी, वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होती है। उस अल्लाह के घर का अदब और उस अल्लाह के घर का एहतराम। मैं किसी के घर का एहतराम करूंगा कि उसके घर के आगे गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाता, जहां गवर्नर हाउस आता है, वजीर आजम हाउस आता है, या आर्मी कैंट के इलाके होते हैं, बोर्ड लगे हुए होते हैं, या हॉर्न मत बजाओ। हॉर्न से शोर होता है और उस शोर से बड़ों के आराम में खलल आता है। आप आर्मी में कहीं चले जाएं, कैंट के इलाके आएंगे, जा बजा, बोर्ड लगे हुए होंगे, हॉर्न बजाना मना है, क्योंकि वहां बड़े रहते हैं, वहां बड़ों के घर हैं। थोड़ा सोचिए, अल्लाह से बड़ा कोई है? जोर से बोलो, जोर से कहो, अल्लाह के घर से बड़ा किसी का घर है? आप और मैं अल्लाह के घर में आते हैं तो इसकी कितनी अजमत दिल में लेके आते हैं। 100 में से 60% नौजवान नंगे सर आता है, किसी से कह लो टोपी पहन लो तो कहते हैं जी कोई जरूरी है, आपको भी कहीं कहते नजर आएंगे, हमें भी कहते हुए नजर आते। बल्कि अब तो कई ऐसे नौजवान आते हैं, वो पहले कहते हैं कि कुरान सुन हदीस में लिखा है, सर पे टोपी लेके आओ, फट कुरान और हदीस पे आ जाते। और कुछ आपने ऐसे भी देखे होंगे जो टोपी पगड़ी रुमाल लेके आते हैं, लेकिन जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो सब कुछ उतार के नंगे सर खड़े हो जाते हैं। ये भी आजकल एक मजहब निकल आया है, टोपी है, पगड़ी है, सब कुछ है, लेकिन नीचे फेंक देंगे, नंगे सर नमाज पढ़े। और अगर आपने उन्हें कह दिया कि टोपी सर पे रख लो तो आगे बहस करेंगे, कहीं कुरान और हदीस में लिखा है? जबकि मेरा ख्याल है आप में से अदना मुसलमान भी ये जानता है कि पूरी 23 साल नबूवत की जिंदगी में, जमाना नबूवत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बामरे मजबूरी सिर्फ एक बार नंगे सर नमाज पढ़ी, जब कपड़ा कोई नहीं था, बामरे मजबूरी। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज के अलावा भी अपने सर को नंगा नहीं रखा।
अपने सर को नंगा नहीं रखा। नंबर दो, क्या आप और मैं अल्लाह के घर में आकर इस घर के अदबो एहतराम में कितने खामोश बैठते हैं? क्या वो वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारते हैं, कुरान की तिलावत में गुजारते हैं, फिक्र में गुजारते हैं, या दुनियावी गुफ्तगू में गुजारते हैं? कितना अल्लाह के घर का अदबो एहतराम है? चले अल्लाह के घर को छोड़े, बड़ों के सामने, बड़ों के सामने, घर में मां बाप बड़ा है, हमारे उस्ताद हमारा पीरो मुर्शिद बड़ा है, या को अल्लाह वाले को अच्छे लोग उम्र में हमसे बड़े होते हैं, इलम में बड़े होते हैं, तकवे में बड़े होते हैं, बुजुर्गी में बड़े होते हैं, क्या उनके सामने भी कभी हमारी जुबान बंद रहती है, या क्या कभी उनके सामने भी हम अपने सर पे कुछ चीज रख के जाते हैं या नंगे सर जाते हैं? शायरुल्लाह जिन्हें कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक मौका आता है जब तवाफ हम कर रहे होते हैं तो हमें हुक्म होता है नंगे सर रहो। वरना आम तौर पर तो उलमा का यूं कहना भी है कि हालत एहराम में तवाब के अलावा अगर नमाज का वक्त आ जाए तो सर पे कपड़ा रख के नमाज पढ़ो, सिर्फ तवाब नंगे सर किया जाता। शायरुल्लाह बड़ी जगह बड़ा आदमी, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पुराने बूढ़े हजरात, अगर मेरी बात पे यकीन न हो तो जुमे के बाद इनके पास बैठकर इनसे पूछ लेना कि क्या 30-40 साल पहले ये लोग अपने बुजुर्गों के सामने नंगा सर बैठते थे? आप अपने इलाके की तहजीब और तमद्दुन को देख लो कि क्या हमारे बड़े बड़ों के सामने नंगे सर होते थे। बल्कि आज से 10 साल पहले जब आप लोग यहां से जाते थे तो वहां से फरमाइशें आती थी लुंगियां लेते आना कि ताकि हम लुंगी कंधे पे रखा करें, और लोग यहां से मालूम होता बक्से लुंगियों के भर के ले जाते थे कि कंधे पे लुंगी रखना एक हमारी तहजीब थी। आज हमें फरमाइश आती है कि फला नंबर का मोबाइल फोन ले आना, कुछ जमाना चला VCR ले आना, कुछ जमाना चला टेप रिकॉर्ड ले आना, कुछ जमाना चला लुंगी ले आना, कुछ जमाना चला कोई तस्बीह इतर ले आना, कुछ जमाना चला खजूर और जमजम ले आना, अब जमाना चल पड़ा मोबाइल फोन ले आना। हमें वो मॉडल नंबर नहीं आता जो वहां गांव में बैठे बंदे को मॉडल नंबर आता है, वो ले आना। ये हमारी तहजीबें थी कि हम जंगल में खेत में पेशाब पखाना करने जा रहे हैं तो हम पर्दा करके बैठते थे। अब हमारी तहजीब बदली, जहां मौका आया खड़े होके पेशाब कर लिया। तहजीब थी कि हम बड़े के सामने नंगे सर नहीं बैठेंगे। अब तहजीब बदली के बाप बेटा इकट्ठे बैठकर ही नंगी फिल्में देखता है। ये तहजीब भी थी, दीन भी था। और शायद यही वजह है कि बड़े लोग जो हमारे पुराने थे उनकी मौतें अच्छी हुई और अल्लाह ने उनको मरते वक्त कलमे नसीब किए। आज आप और मैं जहां बैठते हैं अपने बड़ों की मौत का जिक्र करते हैं कि हमारा दादा हमारा परदादा ऐसे मरा था कि अल्लाह ने उसे कलमा दिया और उसने लोगों को गवाह बनाकर कहा गवाह हो जाओ मैं कलमा पढ़ रहा हूं, जैसे ही कलमा पढ़ा अल्लाह को जान दे।
तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है शायरुल्लाह का अदब करो, बुजुर्गान दीन में एक बुजुर्ग गुजरे खातमुल मुहद्दिसीन, शायद अब उन जैसा को मुहद्दिस आए जिन्हें उलमा मौलाना मोहम्मद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती, शायद कोई ऐसा मुहद्दिस आए, वरना वो जब से गुजरे आज तक ऐसा आया नहीं। अल्लाह कादिर हो को पैदा कर दे। उलमा ने लिखा है कि जब उनसे कोई बात पूछी जाती तो हाफजा इतना था, कहते थे कि 40 साल 50 साल पहले मैंने फलां किताब देखी थी, 50 साल हो गए दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ, उस किताब के फलां सफे के ऊपर और फलां सतर में यह मसला यूं लिखा हुआ है, आज से 50 साल पहले मैंने देखा था। तो जब लोग 50 साल के बाद जाकर वो किताब खोल के देखते थे तो वाकई उसी सतर उसी लाइन में वो मसला लिखा हुआ नजर आता था। तो कहने वालों ने कभी पूछा कि हजरत ये हाफजा अल्लाह ने आपको कैसे नसीब किया कि इतनी बातें याद हैं? तो फरमाया करते थे कि पहली बात, मैंने कभी भी कोई किताब बेवजू नहीं पढ़ी, कुरान और हदीस को छोड़ दीजिए, दीन की कोई भी किताब मैंने बेवजू नहीं पढ़ी। ये सोचकर वुजू करके हाथ लगाता था कि कहीं ना कहीं तो अल्लाह और उसके रसूल की बात लिखी हुई होगी और मैं बेवजू हाथ लगाऊं। और फिर फरमाया कि कभी मैंने नंगे सर होकर उस किताब को नहीं खोला, सर पे कपड़ा रख के ही किताब को खोला। और तीसरी चीज, मैंने जब भी किताब खोली अगर वो उल्टी खुल गई तो मैं उल्टा होके बैठ गया, मैंने किताब को उल्टा करके नहीं पढ़ा। और चौथी चीज, जब भी मैंने दीन की कोई किताब पढ़ी उस किताब को ऊंचा रखा और खुद नीचे तालिबे इलम होकर बैठा कि ये मेरा उस्ताद है और उस्ताद को मैंने ऊंची जगह दी। और सियाणे कहते हैं कि किताब से बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता। इन वजह से अल्लाह पाक ने आज तक मुझे ऐसा हाफजा नसीब फरमाया है कि कोई किताब मेरे दिमाग से नहीं निकली। हत्ता कि अगर एक दफा भी किसी किताब को देख लिया है तो वो दिमाग में ऐसे नक्श हो जाती थी कि जैसे कंप्यूटर में चीजें नक्श हो जाती। और एक बात मैं आपसे भी कहता चलूं, ठीक है आप कहेंगे साहब हम तो ये किताबें पढ़ने वाले नहीं, हमें ये मसले क्यों बयान कर रहे हैं आप, थोड़ी सी रोटी खाकर पेट का भर जाना और फिर उठ जाना और फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर उस पर इतनी इबादत करना कि सारी रात इबादत में मैं खड़ा रहूं और मुझे थकान ना हो। तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि जब हम खाना खाते थे तो पहले हम खुद बैठते थे, खाने को बाद में रखते थे, हम खाने का इंतजार करें, खाना हमारा इंतजार ना करें, इसलिए कि ये अल्लाह का रिस्क है, ये अल्लाह की नेमत है। नंबर दो, खुद मैं नीचे बैठूं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को ऊपर रखूं, खुद मैं चारपाई पर पैंती की तरफ बैठूं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को मैं सर की तरफ रखूं और फिर मैं अल्लाह का नाम लेकर उसको शुरू करूं। रिस्क का भी याद रखिए, जब तक अदब व एहतराम आप नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके पेट के अंदर उस रिस्क की बरकतें और जो निस्बतें जुड़ी हुई होती हैं कि रिस्क के खाने के बाद जो इंसान को अल्लाह का जिक्र करने पर मजबूर करता है
वो निस्बतें आपको नसीब नहीं होंगी जब तक आप अपने दिए हुए अल्लाह के उस रिज्क का भी अदब एहतराम न करें। आज हमारे घरों से बरकतें क्यों उठ गईं? मेरे दोस्तों नाराज नहीं होना, जहां और वजूहात हैं एक वजह यह भी है कि रिज्क का अदब चला गया। ये बात भी मैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, कभी इनसे पूछें बूढ़ों से कि आज से 20-30 साल पहले गर्मी और सर्दी में चूल्हे पे बैठकर हम सारा खानदान नीचे बैठकर मिलकर खाना खाते थे, कोई कुर्सियों पे नहीं बैठता था, कोई चारपाई पर भी नहीं बैठता था, नीचे बैठकर खाना खाया जाता था और सारे मिलकर खाना खाते थे। और अम्मा जब खाना देती थी तो कहती थी कहो बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह हम नहीं पढ़ते थे तो अम्मा चम्मच को हाथ पे मारती थी, कहो बिस्मिल्लाह। पहले हम बैठते थे, खाना बाद में रखा जाता था, आज खाना पहले पड़ा होता हम बाद में आते, और जब खाना खा चुको तो सुन्नत है। पहले बर्तनों को उठाओ फिर खुद उठाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। ये चीजें और इनका अदब एहतराम किताबों के अंदर लिखा गया कि इंसान को मरते वक्त कलमा नसीब करता है। एक हदीस का टुकड़ा है छोटा सा, मैं अगला नहीं पढ़ता, सिर्फ एक टुकड़ा पढ़ देता। अल इल्म कुल्लुहु अदबु, के इल्म सारे का सारा किताबों का नाम नहीं, इल्म सारे का सारा अदब का नाम। एहतराम का नाम, जिसे अदब और एहतराम नहीं आया उसे इल्म नहीं आया। इल्म आ गया, अदब और एहतराम नहीं आया, वो शैतान बनता है कि शैतान अल्लाह के हुक्म का अदब और एहतराम न कर सका और अपने इल्म पे खड़ा रहा और इल्म पे मारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के जब बाजार से गुजरते तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम इंतजार में होते कि हम हुजूर को सलाम कहेंगे, लेकिन हम हैरान हो जाते कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल ही हमें सलाम कह देते। आप और मैं तो सोचते रहते हैं कि छोटा मुझे सलाम कहे, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन है, कोई है इस अल्लाह की मखलूक में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बड़ा कोई नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार नहीं करते कि छोटे मुझे सलाम कहें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद छोटों को सलाम कह देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, सहाबा अदब में खड़े हो जाते तो आप डांट देते कि मेरे एहतराम में खड़े नहीं हुआ करो। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, हजरत साद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ लाते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते खड़े हो जाओ, और आप भी खड़े हो जाते कि ये कौम का सरदार है, इसके एहतराम में खड़े हो जाओ, ये अपनी कौम का बड़ा है। और ये हजरत साद वो हैं जिन्हें हजरत साद इब्ने मुआज कहा जाता, एक हजरत साद इब्ने भी वकास थे, एक हजरत साद इब्ने भी जरारा थे, तीन नाम के साथ मिलते हैं सहाबा में। ये वो सहाबी हैं, हदीस में आता है कि जब इनके मौत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पांव दौड़े, सहाबा हैरान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं। जब हजरत साद के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो हदीस में आता है कि आप अपनी पांव की इन उंगलियों की
अंगूठों को नीचे बिछा के ऐसे खड़े हुए थे, पूरी हथेली जमीन पे नहीं बिछ रही थी पांव की, आप ऐसे पांव रख के खड़े थे। सहाबाए किराम में से किसी एक दीवाने ने पूछ ही लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु, आप हमें तो कहते हैं कि जनाजे में अदबो एहतराम से चलो, आपने जूता भी नहीं पहना भागे। आप फरमाते हैं जानते हो मैं भागा इसलिए कि कहीं हमारे जाने से पहले आसमान के फरिश्ते ही आकर इसकी मैयत को उठा के आसमान पे ना ले जाएं। ये अल्लाह का इतना महबूब बंदा था कि मैं भागा कि मैं फरिश्तों से पहले जाकर खड़ा हो जाऊं, और आया हूं तो इसके घर में 40,000, एक हदीस में आता, एक हदीस में 70,000 आता कि फरिश्ते इतने आए बैठे हैं कि पांव रखने की जगह ही कोई नहीं कि मैं पांव रखूं, इसलिए मैं इस तरह खड़ा हूं, जहां देखता हूं फरिश्ता ही फरिश्ता बैठा है, जहां देखता हूं फरिश्ता ही फरिश्ता बैठा है। और अगली हदीस का टुकड़ा है, गालिबन मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत आती है और मिशकात के अंदर भी आती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इसको मौत आई तो अल्लाह के आसमान को भी झटका लगा, वो भी हिल पड़ा, आसमान भी हिलने लग गया। ये हजरत साद रजी अल्लाह ताला, जिन्हें हजरत साद इब्ने मुआज कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि ये मुक्तदी है मुरीद है, सहाबा से कहते खड़े हो जाओ, इसका एहतराम करो, इसका अदब करो, और रहमत वाले नबी खुद भी खड़े हो जाते, और अपने आने पर अगर कोई खड़ा हो जाता तो आप नाराज होते। और क्या फरमाते कि मैं तो उस मां का बेटा हूं जो सूखा हुआ गोश्त खाती थी, मैं तो उस मां का बेटा हूं जो बकरियां चराती थी, मेरे अदब में मेरे एहतराम में नहीं खड़े हुआ करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। और कोई और आता है तो आप फरमाते हैं कि ये अपनी कौम का सरदार है, कबीले का बड़ा है, आया है, अदब और एहतराम में खड़े हो जाओ। और तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह के हां इसका कितना बड़ा मकाम, दीन ने हमें अदब और एहतराम सिखाया। और फरमाया गया कि अदब सारा सारा इल्म सिर्फ इन तीन हर्फों के अंदर बंद है, अदब अदब अदब। कहते हैं कि एक उस्ताद के पास दो शागिर्द थे, एक को 10 साल हो गए वो कुरान याद कर रहा है और 10 साल में याद नहीं कर सका, और एक आया और साल के अंदर कुरान याद के फारिग, याद करके फारिग हो गया। और जब साल के बाद कुरान को याद करके निकलने लगा तो उसको ताने देने लगा जिसको 10 साल हो गए थे कि तुझे 10 साल हो गए तुझे कुछ ना आया, और मुझे देख एक साल के अंदर पढ़ के जा रहा हूं। जब उस्ताद के कान में अल्फाज गए तो उस्ताद ने कहा तो क्या जाने कि ये 10 साल में इसने मेरी खिदमत कितनी की है, मैं इससे राजी हूं, और तू साल में याद करके भी जा रहा है लेकिन मेरा दिल तुझसे राजी नहीं। तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि उसी तालिब इलम को जिसे 10 साल से ज्यादा हो गए थे याद करते, उसे उस्ताद की कुर्सी पे बैठे देखा लोगों ने, उस्ताद के मिंबर और मुसल्ले पे बैठे देखा, और जो साल में याद करके गया था ना नमाज रही ना सुन्नत नहीं ना अल्लाह का कुरान बाकी। अल्लाह अपने घरों का, अल्लाह अपने बंदों का, बड़ों का अदब करने की तौफीक दे। मेरे दोस्तों, जहां आज कुरान और सुन्नत का अदब, हैरान होते हैं हम, आपको तो वास्ता नहीं पड़ता, हमें तो पड़ता है। कुरान ने एक अल्फाज कह दिया
ला यमसुहु इल्लल मुतहरून, पलीती की हालत में कुरान को हाथ मत लगाओ। आज दुनिया में मुफ्ती पैदा हो गए हैं जो कहते हैं इस हालत में कुरान पढ़ते रहो जायज है। हत्ता कि ऐसी औरतें भी निकल आई हैं जो फतवे दे रही हैं कि ऐसी हालत में अयाम माहवारी में हैज और निफास में कुरान पढ़ती रहो जायज है। मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने भी फतवे शुरू कर दिए। अदबो एहतराम, बुनियादी चीज है दीन की। तो कहा गया कि अगर शायरुल्लाह का अदब करना सीख लो, अल्लाह तुम्हें मरते वक्त कलमा नसीब कर देगा। आमीन, जोर से कहे अल्लाह हमें अदब करने की तौफीक दे। बुजुर्गान दीन ने एक और चीज लिखी, फर्ज नमाज तो फर्ज है, वितर की नमाज वाजिब है, सुन्नतें मुअक्कदा भी हैं गैर मुअक्कदा भी हैं। तवज्जो है मेरी तरफ रखो। नफलों को पढ़ने की आदत बनाओ, फर्ज तो फर्ज है। इसका दर्जा और है, नफलों को पढ़ने की आदत डालो, अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब करे। मैं ये बुजुर्गाने दीन आपसे यूं नहीं कहते कि आप 24 घंटे नफल ही पढ़ते रहो या अल्लाह के हुजूर हाथ बांध के खड़े रहो, नहीं मेरे दोस्त। कम से कम फर्ज नमाजों के बाद जो नवाफिल हैं, दो रकात नफल कहीं के, आजकल तो हमारी आदत हो गई नफल तो पढ़ते ही नहीं, और खास तौर पर जो दीनदार लोग हैं वो तो पढ़ते ही नहीं, मेरे जैसे जितने मौलवी हैं वो तो पढ़ते ही नहीं। हमने तो समझ रखा है कि बस माफ हो गए, माफ है। और अगर कोई हमसे मसला भी पूछता है तो कहते हैं जी पढ़ लोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह कोई नहीं, लिहाजा मैं नहीं पढ़ता, तुम भी ना पढ़ो। और खास तौर पर जितने तुम अटक के लोग बैठे हो, मैं और आप सारे, आदत है हमारी सिर्फ फर्ज और सुन्नतें पढ़ के गए, नफल कोई नहीं पढ़ता, पढ़ता ही नहीं, समझते हैं ये कोई चीज जरूरी नहीं। इशराक, अवाबीन, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुजू, सलातुल हाजात, आम नवाफिल फर्ज नमाज के बाद या फर्ज नमाज से पहले इन्हें पढ़ने की आदत बनाओ, इंशाल्लाह यही नफल मरते वक्त तुम्हें कलमा नसीब कराएगा। आदत बनाओ। जिनके मां बाप मर गए हो, किसी दिन दो रकात नफल पढ़ के अपने मां बाप की रूहों को भी सवाब दे दो। जिनके उस्ताद बुजुर्ग फौत हो गए हैं, कभी दो रकात नफल पढ़ के उनको भी सवाब दे दिया करो। कभी दो रकात नफल सिर्फ इस गर्ज से पढ़ लो कि अल्लाह अपने महबूब की सारी उम्मत को इनका सवाब दे दे। और कभी दो रकात नफल पढ़ के अल्लाह से कह दो अल्लाह इन नफलों का सवाब मदीने वाले अपने महबूब को दे दे। जहां नफल फर्जों की गलतियों और कमजोरियों को पूरा करता है, वहीं है नफल मरते वक्त आदमी को कलमा नसीब करता है। इसलिए कि नफल एक निस्बत बनाता कि ये मैं खालिसतन अल्लाह के लिए, फर्ज नमाज तो फर्ज थी, वो तो मैंने फर्ज समझ के पढ़ी और मेरे ऊपर फर्ज है, पढ़ू ना पढ़ू माफ नहीं है, वो तो मैंने पढ़नी ही पढ़नी है। और नफल मैंने खालिसतन अल्लाह के लिए पढ़ा,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की रात की आखिरी नमाज वो दो रकात नफल पढ़ के सोता है और रात को मर जाता है तो अल्लाह पाक उसे क्यामत के दिन शहीदों में खड़ा कर देगा। हम तो कहते हैं कि भाई रात को नफल जो है क्या पढ़ने हैं, बस वितर पढ़ो और जाओ, नफल पढ़ने की आदत है। और एक बुजुर्गान दीन ने जो सबसे बड़ी बात लिखी कि अल्लाह पाक से खात्मा बिल ईमान की दुआ भी मांगा करो, ये हर वक्त जरूरी है। दुआ हथियार है मोमिन का, दुआ के बगैर गुजारा नहीं। कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह उनसे खुश होता है, और जो अपने आप को दुआ से बेनियाज समझते हैं फिर अल्लाह पाक भी उनसे बेनियाज हो जाता। इस वक्त दुनिया में एक ऐसा फिरका भी जन्म ले चुका है जो कहता है दुआ की जरूरत ही नहीं। चलो फर्ज नमाज का तो एक मसला है, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, चले हमारे बुजुर्गाने दीन करते थे हम भी करते हैं। आपसे भी कोई बंदा कहा करे तो इतना तो कह दिया करो यार, वो लोग जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह दीन को समझे आप नहीं समझे हो, जो मौलाना हुसैन अहमद बंदरी रहमतुल्लाह अलैह दीन को समझे है आप नहीं समझ सकते, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दीन को समझे तुम नहीं समझ सकते हो, जो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दीन को समझे तुम नहीं समझ सकते हो, जो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दीन को समझे तुम नहीं समझ सकते हो। अगर वो दुआ कराते थे फर्जों के बाद तो भाई फिर हम भी करेंगे, अगर वो गलत थे तो फिर ठीक है हम भी गलत से, इसलिए कि वो दीन के थम थे। हमारे सामने तो दीन को उन्हीं ने रखा है, हम उन्हीं से दीन सीखें। अगर वो इस मसले को नहीं समझ सके कि फर्ज नमाज के बाद दुआ जायज है या नहीं है तो भाई तुमसे हमें वो अच्छे। अगर वो गुनेगार थे मुशरिक थे बित्ती थे तो उनकी बिदत भी तुमसे हमारे लिए अच्छी हमें अच्छी, अगर वो मुशरिक थे भाई तो उनका शिर्क भी हमें तुम्हें से तुमसे अच्छा नजर आता, अगर वो गुनेगार थे तो तुम्हारी नेकियों से उनके गुनाह अच्छे। इसलिए कि जितने वो दीन को समझे आज की इस उम्मत में इतना दीन को कोई समझा ही नहीं और ना कोई समझ सकता है, ये मेरा दावा है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो दीन को समझे वो आप और मैं नहीं समझ सकते, इसलिए कि वो हकीम थे, अल्लाह ने उनको हकीम बनाया था। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो शेखुल इस्लाम थे जिनको उलमा ने शेखुल इस्लाम कहा, ये नहीं कि अपने आप को उन्होंने कह दिया कि मैं शेखुल इस्लाम और लोगों मुझे शेखुल इस्लाम कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर खड़े होकर सलाम कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह तो रोज़े पाक के अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ये मेरा पुत्र वालेकुम अस्सलाम। सारी उम्मत जो रोजे पे खड़ी थी सुन रही थी, वो शेखुल इस्लाम थे, जितना वो दीन को समझे आप और मैं नहीं समझे। चले कहीं उलमा ने लिखा भी है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फर्ज नमाज के बाद दुआ नहीं भी की, आपने कभी नहीं भी की, आपने कभी एक तरफ सलाम फेरा दूसरी तरफ सलाम ही नहीं फेरा, आप चल दिए जिहाद के लिए जाना था एक तरफ सलाम फेरा दूसरी तरफ सलाम ही नहीं फेरा, तो अब क्या मैं दूसरी तरफ सलाम ना फेरा करूं, किस लिए कि हुजूर ने नहीं किया था, वो एक दफा जिंदगी में हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जनाजे में एक तरफ सलाम फेरा दूसरी तरफ फेरा ही नहीं। अब कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब जनाजे में एक तरफ सलाम फेरते हैं दूसरी तरफ फेरते ही नहीं, उसी सुन्नत पर अमल करते हैं। दुआ आपने कभी नहीं भी की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फर्ज नमाज के बाद दुआ करना ही बिदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबों को दुआ सिखाई,
इतनी जल्दी किसी चीज को बिदत कह देना, ये दीन की ना समझी। तो दुआ ये मोमिन का हथियार। आजकल दुनिया में लोग निकल आए हैं, कहते हैं दुआ की जरूरत ही नहीं। भाई अल्लाह जानता है हमें किस चीज की जरूरत है, तो हम हाथ उठा के दुआ मांगे क्यों? उसे सब पता है हमें किस चीज की हाजत और जरूरत है। तो कुरान कहता है रब्बुकुम इदउनी यस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करता हूं। वइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इजादान, जब को बंदा दुआ करता है तो मैं अपने बंदे की दुआ को सुनता हूं और कबूल करता हूं। दुआ से बेनियाजी बंदे की शान नहीं, बंदे की शान है हमेशा अल्लाह से मांगता रहे, हमेशा अल्लाह से मांगता रहे। और जो बंदा हमेशा अल्लाह से मांगता है वो अल्लाह को अच्छा लगता है, और जो बंदे अल्लाह से दुआ नहीं मांगते अल्लाह को ना मांगने वाले अच्छे नहीं लगते। अल्लाह से दुआ मांगा करो, ये दुआ सबसे बड़ा हथियार है। दुआ मांगना तुम्हारा काम है, उस दुआ को पूरा करना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह वो मरते वक्त कलमा नसीब कर देगा। हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह खात्मा ईमान पे। जिंदगी तो गुजरी, जैसे भी गुजर जाएगी, ये दो दिन की है, चार दिन की है, मेरे दोस्तों दारो मदार मौत पर है। मौत अच्छी तो अगला जहान अच्छा, मौत बुरी तो अगला जहान बुरा। अल्लाह पाक आपको मुझे मरते वक्त कलमा नसीब कर दे। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे कर दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।